तो तालिबान की दो टूक पाकिस्तान को देंगे कूट। दरअसल ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से धमकी दी गई थी, जिसके बाद तालिबान अब भड़का हुआ है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान की ओर से जो धमकी दी गई थी अफगानिस्तान को, उस पर तालिबान पूरी तरह से भड़का हुआ है। पाकिस्तान की धमकी पर एक बार फिर से भड़क गया है तालिबान। पाकिस्तान में हिम्मत है तो हमला करके दिखाए, हमले का जवाब हमले से देगा तालिबान, हमले का अंजाम भुगतने को तैयार रहे पाकिस्तान, ये कहा गया है। सिर्फ धमकी देने से नहीं, करके दिखाएं, खुली चुनौती अफगानिस्तान की ओर से। और इस सबसे ये पूरी तरह से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है अफगानिस्तान। दरअसल पूरा माजरा यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिनकी ओर से धमकी दी गई थी। कहा गया था कि घर में घुसकर मारेंगे, टीटीपी को खत्म करेंगे, अफगानिस्तान में घुसकर हमले करेंगे, और इसके जवाब में अब अफगानिस्तान भड़का हुआ है। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान, जंग का ऐलान। पाकिस्तान की ओर से पहले धमकी दी गई और अब खुली चुनौती दे रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि आप सिर्फ बातों में मत रहिए, करके दिखाइए और फिर देखिए हमले का जवाब किस तरह हमले से ही दिया जाएगा तालिबान की ओर से। चलिए आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। पाकिस्तान टीटीपी पर हमला करेगा, ऐसा पाकिस्तान की ओर से कहा गया था। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। तालिबान पर ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान सरकार में रक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया था, उनकी ओर से पहले धमकी दी गई थी। कहा यह गया था कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी को खत्म करेंगे, घर में घुसकर टीटीपी को ठिकाने लगाएंगे, अफगानिस्तान में घुसकर मारेंगे, बात कही गई थी ख्वाजा आसिफ की तरफ से। और अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम हम उठाएंगे, टीटीपी से किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है, टीटीपी ने पाकिस्तान में आतंकवाद फैला दिया है, इस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ की ओर से कही गई थी। तालिबान पर, अफगानिस्तान पर ख्वाजा आसिफ सबसे पहले भड़के थे और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद जवाब में अब अफगानिस्तान तालिबान की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। अब आपको वो बताते हैं, देखिए तालिबान पर ख्वाजा आसिफ जब भड़के, उसके बाद कैसा रिएक्शन आया है ये आप जानिए। पाकिस्तान पर तालिबान के भड़के जाने के बाद अब तालिबान की ओर से, अफगानिस्तान की ओर से भी ये कह दिया गया है कि अगर आप हमला करेंगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी शांत नहीं बैठेंगे और जवाब दिया जाएगा, हमला करने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की ओर से कह दिया गया है। अफगान क्षेत्र में हमला किया तो फिर खैर नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम गंभीर होंगे, ये जवाब में कहा गया है पाकिस्तान के अफगानिस्तान की ओर से। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है पाकिस्तान को, चूंकि खुली चुनौती जो दी गई थी, जो धमकी खुली दी गई थी पाकिस्तान की ओर से, उस पर अब चुनौती दे डाली है अफगानिस्तान ने। इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही हैं। टीटीपी एक बड़ा मुद्दा इसका बन गया है, टीटीपी जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है, और अब टीटीपी को लेकर दोनों देश आमने सामने। पाकिस्तान ने आज से 3 साल पहले जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों को भगाने में तालिबान की मदद की थी, और अगस्त 2021 में जब अमेरिका की फौजें दुब दबाकर अफगानिस्तान से भाग गई थी, तालिबान के हमले के सहन नहीं कर पाई थी, तब पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि 3 साल के अंदर ही ऐसा हो जाएगा। अगस्त 2021 में पाकिस्तान की फौज, आईएसआई सोच रहे थे कि अब तो अमेरिका को हमने भगा दिया अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार बन रही है वो हमारे ही रहमे कदम पर जिंदा रहेगी, हमारे ही चरणों में पड़ी रहेगी। एकदम उल्टा हो गया। आज की तारीख में तालिबान टीटीपी जो है, तरीके तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान की सीमा के उस तरफ, यानी ड्यूरन लाइन के उस तरफ से, ड्यूरन लाइन के इस तरफ से ऑपरेट कर रही है, जब मर्जी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के लोगों को तंग करती है। और तो और सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो हजारों की संख्या में चीनी नागरिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं,
उनको तंग करती है, मार डालती है, उनसे हफ्ता मांगती है। और अब जब पाकिस्तान ख्याली पुलाव बना रहा है कि अफगानिस्तान में घुसकर वो टीटीपी के आतंकवादियों को मारेगा, इसका अफगानिस्तान ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अफगानिस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी अफगानिस्तान में घुसने की जरूरत की तो उसको एक मुंह तोड़ करारा जवाब मिलेगा, और ऐसा होगा भी। हजारों साल से कोई भी अफगानिस्तान के अंदर विदेशी नहीं टिक पाया, चाहे वो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की फौजें हो, चाहे वो रूस की फौज हो, चाहे वो अमेरिका की फौज हो। आज अगर पाकिस्तान ने गलती से अपनी फौज को भी अफगानिस्तान अंदर घुसाने की गलती की तो उसको बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन अब ये धमकी किसके दम पर दे रहा है यूके देवनाथ सर? पाकिस्तान, ये भी एक सवाल है। खुद के पास उसके हथियार नहीं है, पैसे नहीं है, आवाम भूख से तड़पती है, मरती है, लेकिन किसके दम पर आपको लगता है कि ये दम भर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान की हालत इस वक्त हास्यास्पद है। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, ना पैसे, ना फॉरेन करेंसी, लेकिन डींगे बड़ी बड़ी हांकते हैं। वो सोचते हैं कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में कर लेंगे, वो फिर से सोच रहे हैं कि ईरान से भी अपने कंधे को, अपने सिर को ज्यादा ऊपर रखेंगे। भारत को तो पाकिस्तान वाले कुछ समझते ही नहीं। ऐसी हालत में पाकिस्तान क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। शाहबाज शरीफ की जो सरकार है, पीएमएलएन की जो सरकार है, वो अपने डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है, उनकी जो रोटी, कपड़ा, मकान की जो जरूरत है उसको पूरा करने में नाकामयाब रही। महंगाई का दर वहां 30% है। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनका ध्यान रोजमर्रा की जरूरत के चीजों से हटाकर देश प्रेम जगाने के लिए पीएमएलएन की सरकार जो है इस तरह से अफगानिस्तान को धमकी दे रही है। और तो और उनके पास हथियार भी नहीं है। अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए हथियार मांगने के लिए, हथियारों की भीख मांगने के लिए पाकिस्तान के सरकारी नुमाइंदे आज अमेरिका में कटोरा और झोला लेके घूम रहे हैं अमेरिका से हथियार मांगने के लिए, ताकि वो अफगानिस्तान पर हमला कर सके। जी चलिए ठीक है, यूके देवनाथ सर आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी आऊंगी आपके पास मैं, लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले बता देते हैं दर्शकों को। चीन की धमकी से दबाव में आ गया है कंगाल पाकिस्तान। चीन की घुटकी के बाद सैन्य अभियान को मंजूरी मिल गई है। अजम इस्तेकाम से आतंकवाद से निपटेगा पाकिस्तान। टीटीपी और बीएलए के खिलाफ अजम इस्तेकाम, पाकिस्तान का ये सैन्य ऑपरेशन। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो ऑपरेशन है अजम इस्तेकाम, इसको लेकर लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार खुद में ही एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। कभी कहते हैं कि ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा, कभी कहते हैं ऐसा कोई ऑपरेशन है ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस समय पूरे पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबनाइजेशन करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है। और इस तरीके की मंशा को हासिल करने में, मंसूबों को जो हासिल करने की प्रक्रिया में, वो सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। वो उनको, आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस को टीटीपी के जो आतंकी हैं अपने लिए सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं और सीधा सीधा उन्हीं के ऊपर हमले कर रहे हैं ताकि उनको हटा करके वो अपना शासन स्थापित कर सके। तो जाहिर है कि ये जो और आप जानते हैं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या उसका जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन तालिबान हो, वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन रहा है। ये पाकिस्तान के ही खड़े किए गए भस्मासुर हैं जो कि आज पाकिस्तान को जलाने की मंशा रखते हैं और तालिबान और सीधे सीधे पाकिस्तान के वास्तविक शासकों पर, आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो वहाँ के हुक्मरान है काफी दबाव में है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो भी, उनको भी इसी आर्मी और आईएसआई की गलत नीतियों की वजह से, सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लगातार बढ़ावा मिला है। और जब इस तरीके के जो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो ये कट्टरपंथी इससे नाराज हो सकते हैं। ये जो कट्टरपंथियों को नागवार गुजर सकता है कि आप इतने बड़े ऑपरेशन, इस तरीके के ऑपरेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी वजह से एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने अस्तित्व को भी बचाना है,
और वहीं कट्टरपंथियों का भी दबाव है, और जाहिर है कि तालिबान इस समय सत्ता में है और उसको जो है टीटीपी को एक तरह से उसका समर्थन उसको मिल रहा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो एक जो उनके अंदर जो भ्रम है वो समझा जा सकता है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से टीटीपी को हैंडल करें। और टीटीपी जैसा कि मैंने कहा कि वो सिर्फ एक साधारण तरीके से जो अन्य जो आतंकी संगठनों के जो मंसूबे होते हैं लिमिटेड मंसूबे होते हैं, किसी को टारगेट करना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करना, वहां तक ये सीमित नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है, ये पूरे अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान पर वैसा ही शासन करना चाहता है। बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान की ओर से ही, पाकिस्तान में सरकार की ओर से ही पनाह पहले आतंकियों को दी गई और अब यही आतंकवाद या अलग अलग आतंकी संगठन और गुट पाकिस्तान के लिए बन गए हैं एक बड़ी चुनौती। आप दोनों से मेरे साथ बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास मैं फिर से। पाकिस्तान में अदालत ने आईएसआई की पोल खोल दी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान में आईएसआई अदालतों पर दबाव बना रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने शहबाज को खत लिखा है। इमरान के मामले में एजेंसियां दबाव बना रही हैं, अदालत की ओर से कहा गया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश जारी किया है, मन मुताबिक फैसले लेने का दबाव बना रही है आईएसआई। मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाती है दबाव, प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि अदालत पर दबाव ना बनाया जाए। आईएसआई पर अदालत पर दबाव बनाने का आरोप है। तो देखिए आप पाकिस्तान के हालात क्या हैं, अदालतों पर भी आईएसआई दबाव बना रही है। पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़ा हुआ दरअसल कोई मामला है जिसमें पत्र लिखा गया है जजेस की ओर से प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है जिसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करें कि कम से कम अदालतों पर इस तरह के जो दबाव हैं वो ना बनाए जाएं। और चलिए इससे जुड़ी बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गुहार, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को लिखा गया है खत, आईएसआई की पोल खोलकर वहां पर रख दी है जजेस ने, अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है, मन मुताबिक फैसले लेने का दबाव बनाया जा रहा है आईएसआई की ओर से, मिलिट्री इंटेलिजेंस साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का दबाव अदालतों पर है, जजेस पर है। इमरान के मामले में दरअसल एजेंसियां दबाव बना रही हैं। चिट्ठी जो लिखी गई है शहबाज शरीफ को उसमें यह दावा किया गया है मन मुताबिक फैसले लेने का दबाव बनाया जा रहा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अदालतों पर जजेस पर दबाव। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा कोई मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि आईएसआई चाहती है कि आईएसआई के मन मुताबिक जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं वो काम करें। राजनीतिक हस्तियां जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रही हैं। पाकिस्तान में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं। ज्यूडिशरी जो है उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश आईएसआई की ओर से। यूके देवनाथ सर और संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, इसे क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान में ज्यूडिशरी भी स्वतंत्र नहीं है? पाकिस्तान की हालत बहुत ही हास्यास्पद है और दुखदायी भी है। एक ऐसा मुल्क जो कि एक डेमोक्रेसी होने का दावा करता है और वहां पर अगर जुडिशरी भी आजाद नहीं है तो शायद इससे ज्यादा भ्रमित करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो खबर आई है, अब जजेस ने चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं दबाव डाल रही हैं जुडिशरी के ऊपर, खास तौर से उन केसेस में जहां की पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को किसी कोर्ट केस में फंसाना चाहती है। आईएसआई बहुत कोशिश कर रही है कि वहां के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में अलग अलग जजेस हैं, वो सिर्फ वैसा ही वर्डिक्ट दें जो कि आईएसआई उनको बताती है। मेन एम है इमरान खान को परेशान करना। और भी ज्यादा संगीन इल्जाम तो ये है कि कुछ जजेस ने ये भी लिखा है कि उनके परिवार वालों को, परिवारजन को, उनके बच्चों को किडनैप करके अज्ञात जगह पे ले जाते हैं और फिर दबाव डालते हैं कि वो अगले दिन जो कोर्ट केस की हेयरिंग होगी उसमें इमरान खान के विरुद्ध हेयरिंग में वर्डिक्ट दें। यानी पाकिस्तान में सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी होम मिनिस्ट्री जो है वो फेल हो गई है पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने में।
जितने गुंडे, बदमाश, हवाला ऑपरेटर्स, खास तौर से आईएसआई के गुर्गे, वो खुलेआम घूम रहे हैं गोलियों के डर पर। आम लोगों को, जो कि आम जो आदमी है, उनको धमका रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है बद से बदतर हालत में जा रहा है। सिर्फ एक ही देश है जो कि पाकिस्तान को इस वक्त इस बुरी हालत से बचा सकता है, वो है चीन। लेकिन चीन ने भी अब आस्ते आस्ते अपना हाथ पाकिस्तान से खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन को भी लग रहा है कि वो जितना करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो शायद डूब रहा है। जी बिल्कुल संजीव जी, क्या आपको भी लगता है कि इस, हालांकि पाकिस्तान खुद इस हालत के लिए अपनी जिम्मेदार है, लेकिन अब पाकिस्तान में स्थितियां क्या वाकई में उतनी आसान हैं कि सुधरें? आप जुडिशरी पर जब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? कहां से लोग उम्मीद करेंगे न्याय की, जब जुडिशरी सिस्टम पर ही आईएसआई, वहां की एजेंसी दबाव बनाएगी, अपने मन मुताबिक फैसले चाहेगी कि दिए जाएं? जी देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो दिखावे की जो जमहूरियत है, दिखावे का जो लोकतंत्र है, उसकी कड़वी सच्चाई एक बार फिर से सामने आई है। और वहां पर जो लोकतंत्र के जो भी इदारे हैं वो बेहद कमजोर करके रखे गए हैं, और आर्मी और आईएसआई का इंटरवेंशन वहाँ की, हम जानते हैं कि जो चाहे कार्यपालिका हो, वहाँ की विधायिका हो, वहाँ पे तो रहता ही रहता है। न्यायपालिका भी इससे जो है अछूती नहीं है, न्यायपालिका के ऊपर भी कितना बड़ा दबाव होता है उसका साक्षात जो है प्रमाण, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। अभी पहले के समय में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की जुडिशरी के जजेस के ऊपर जो आर्मी और आईएसआई का हमेशा दबाव रहता था। जब नवाज शरीफ के संबंध पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ खराब होने शुरू हुए थे, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, उस समय नवाज शरीफ की तरफ से ये भी एक आरोप लगाया गया था, और एक ऑडियो वगैरह भी कुछ लीक हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से ये इसमें पता चला था कि जो आर्मी और आईएसआई के द्वारा जजेस के ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ वर्डिक्ट देने का दबाव, भारी दबाव बनाया गया। और ये कभी कभी ये जो बातें होती हैं लीक होकर सामने आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो जजेस ने सीधा सीधा स्वयं से ही लेटर लिख करके इस बात को एक्सपोज किया है। तो ये जो पूरी जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान में जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि वहाँ पर वास्तविक जो शासन है वो आर्मी और आईएसआई का शासन है। बिल्कुल ठीक, आर्मी और आईएसआई के इशारे पर सब कुछ पाकिस्तान में होता है, ये सब जानते हैं। आप दोनों सब मेरे साथ बने रहिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ दो आतंकी गुटों ने हाथ मिलाया है, बताया जा रहा है कि टीटीपी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिला लिया है। आतंकियों के हाथ मिलाने से खौफ में पाकिस्तान की सरकार आ गई है। अशांत बलूचिस्तान सूबे के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह का दावा, सीपीईसी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का मकसद है। ग्वादर बंदरगाह में चीनी लोगों पर हमले होते रहे हैं, जियाउल्लाह ने कहा, लेकिन ये कोशिशें हैं सीपीईसी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और पाकिस्तान और तालिबान में तनाव चरम पर है। दोनों देशों में बढ़ती दूरी की वजह टीटीपी है। टीटीपी वही जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा, और वही टीटीपी पाकिस्तान हुकूमत के लिए नासूर बन चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसका। पाकिस्तान की धमकी, तालिबान ने दी घुड़की। तालिबान पर भड़के ख्वाजा, टीटीपी पर करेंगे हमला। घुस के मारने वाला बयान, भड़का तालिबान, भड़का अफगान, तालिबान का जंगे ऐलान। अफगान और पाकिस्तान दोनों ही देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तान के तालिबान शासकों और पाकिस्तान के बीच के जंग के हालात बन गए हैं। तालिबान की टॉप लीडरशिप में पाकिस्तान ने पनाह ली है, और आज इसी तालिबान पर पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह देने का आरोप है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी के बाद तालिबान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान टीटीपी को संरक्षण दे रहा है। पाकिस्तान टीटीपी पर करेगा हमला, टीटीपी के ठिकानों को करेंगे खत्म, अफगानिस्तान में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर टीटीपी को लगाएंगे ठिकाने, अफगान में आतंकियों के छिपे होने के सबूत, अपने लोगों की रक्षा के लिए उठाएंगे सख्त कदम, टीटीपी से किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन ही नहीं, टीटीपी ने पाकिस्तान में फैलाए हैं आतंकवाद। पाकिस्तान की धमकी से गुस्से से लाल तालिबान ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि
पाकिस्तान आंख दिखाने की हिमाकत ना करे वरना हश्र बुरा होगा। ख्वाजा आसिफ के बयान पर तालिबान ने कैसे जवाब दिया, पहले ये आपको बताते हैं। पाक रक्षा मंत्री से नाराज तालिबान, अफगान क्षेत्र में हमला किया तो खैर नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो परिणाम गंभीर होंगे। टीटीपी और पाकिस्तान के रस्साकशी में सीमा पर तनाव है और ये तनाव कब जंग में तब्दील हो जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब सवाल है कि पाकिस्तान ने पहले पाल लिया, अब तालिबान पर लाल क्यों हो रहा है? आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं ये टीटीपी आखिर है कौन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, 2007 में बैतुल्ला मैसूद की अध्यक्षता में कई छोटे छोटे कट्टरवादी इस्लामी संगठन को मिलाकर पाक सेना के खिलाफ बनाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में खिलाफत राज स्थापित करना और पाकिस्तान कानून को शरिया कानून से बदलना है। इस संगठन ने पाकिस्तान में 2007 से 2014 तक कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। 2012 में हुए मलाला यूसुफजई पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ही ली थी। 2014 के आखिर में टीटीपी ने पेशावर के एक सैन्य स्कूल में हमला करते हुए करीब 130 से ज्यादा स्कूली बच्चों को मार दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए, जिसके नतीजे में संगठन की ताकत 50% से भी ज्यादा घट गई। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो इस्लामाबाद की ओर से इसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और लाउडस्पीकर को लेकर पाकिस्तान में आवाज उठी है, मस्जिदों में बड़े लाउडस्पीकर लगाए जाने पर एतराज जताया गया है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री शब्बर जैदी ने सवाल उठाया है, मस्जिदों में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाना गैर जरूरी है, लाउडस्पीकर की आवाज से लोगों को दिक्कत हो रही है, शासन प्रशासन को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लाउडस्पीकर को लेकर एतराज जताया गया है पाकिस्तान में एक अर्थशास्त्री की ओर से। यूके देवनाथ सर, इससे पहले भी लाउडस्पीकर्स को लेकर कई अलग अलग मुल्कों में आवाज उठाई गई है, और बात पाकिस्तान की करें, जब कुछ भी पटरी पर नहीं है तो कई इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्रियों के अलावा कई सोशल वर्कर्स भी हैं जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन सुनवाई किसी की भी किसी तरह नहीं। हाँ, पाकिस्तान में दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो मॉडरेट्स हैं यानी जो सुधारवादी हैं उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, और वहां पे जो कट्टरपंथी हैं, खासतौर से जो सुन्नी एक्सट्रीम सुन्नी व्यूज के जो लोग हैं, उनको हमेशा से एक शह मिली है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। पाकिस्तान में जो मदरसे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इस्लाम ही एकमात्र तरीका है जिससे कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। ये ही बच्चे जब पाकिस्तान में बड़े होके वहां की फौज ज्वाइन करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनती हैं, तो ये बच्चे जो है अपने दिमाग से उस बहुत ही दकियानुसी इस्लामिक विचारों को नहीं निकाल पाते हैं। इस्लाम तो बहुत ही सुंदर धर्म है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम की सिर्फ रूढ़िवादिता को अपनाया गया है। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, सीखता ही नहीं है। अब जो ये वहां के जो मुल्ला जो हैं, जो मस्जिदों से इतने बड़े बड़े लाउडस्पीकर लेकर बड़े बड़े अजान देते हैं, जिससे कि आसपास के छोटे छोटे जो गांव है वहां पे बच्चों को, छोटे बच्चों को सुबह 4 बजे तंग किया जाता है, इतने जोर से आवाज होती है। बिल्कुल, लाउडस्पीकर को लेकर आवाज पाकिस्तान में उठाई गई है एक अर्थशास्त्री की ओर से। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से दर्शकों को बता देते हैं। यूके देवनाथ सर, आप बने रहिए। शहबाज शरीफ को अमेरिका ने दिया है झटका, फरवरी में हुए चुनाव को अमेरिका ने फर्जी बताया। पाकिस्तान चुनाव के खिलाफ यूएस संसद में प्रस्ताव भी पास हुआ है। पाकिस्तान चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव को 98% वोट भी मिले हैं। फरवरी में जो चुनाव हुए थे उन्हें फर्जी बताया गया है। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की संसद में प्रस्ताव भी बाकायदा पास हुआ, अमेरिका से इस वक्त उम्मीद है पाकिस्तान को मदद की, हथियार भी मांगने पाकिस्तान गया अमेरिका, लेकिन अब पाकिस्तान में हुए चुनावों को लेकर अमेरिका में संसद में प्रस्ताव जो पास हुआ है, इस पर और क्या पूरी जानकारी है? देखिए, पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाहिर है कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक मत है कि ये फ्रॉड इलेक्शंस थे, ये रिग्ड इलेक्शंस थे, इसमें धांधलियां हुई हैं,
इनमें ये जो इलेक्शंस थे वो भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपने मंसूबों के मुताबिक एक पपेट गवर्नमेंट को बिठाया है। अगर पाकिस्तान में वास्तविक रूप से सही तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते तो इमरान खान इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान वर्तमान समय में भी पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय शख्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के वास्तविक शासक अपनी सत्ता को, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से संचालित करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि इतना कोई लोकप्रिय शख्स जो है सत्ता में बैठे ताकि उनकी सत्ता को जो कुछ चुनौती ना मिल सके। तो ये जो पाकिस्तान की सच्चाई है उसको अमेरिका भी जानता है, लेकिन जहां तक अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति एंगेजमेंट का प्रश्न है तो मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में अमेरिका अपने एंगेजमेंट को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसके उसको वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान की कोई टेरिटरी है उसके ऊपर अपनी वॉच रखने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी एक वॉच रखने के लिए उसके ऊपर एक एंगेजमेंट बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल, चाइना का जो एक दखल बढ़ता जा रहा है उसको भी काउंटर करने के लिए वो अपना एंगेजमेंट बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर और संजीव जी, समय की मेरे पास कमी है फिलहाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।